वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और कोलैबोरेशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करके, क्योंकि अभी लास्ट में दो तीन चैप्टर्स हमारे वो रह गए हैं, तो उसको हम देखेंगे। कोलैबोरेशन का जो ये 12वां चैप्टर है, उसमें मोबिलिटी फीचर्स का जो है वो हवाला दिया गया है, तो इसको समराइज़ करके हम जो है इसको क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली मोबिलिटी फीचर्स से पहले, यानी मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी कंपनी का गोल जो होता है वो ये होता है कि कंपनी की प्रोडक्शन के लिए और उसके जो सेल्स पर्सन वगैरह होते हैं, उसको इंटरनल और एक्सटर्नल कॉल्स बहुत करनी पड़ती है, ताकि जो भी क्यूरीज वगैरह हो क्लाइंट की, वो उसको प्रॉपर आंसर दे सकें, या जो अगर वेंडर है कोई, तो वो यानी किसी भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो कंपनी के सेल्स पर्सन वगैरह से बातें करता है, पूछता है और उनके गोल्स वगैरह पूछता है, ताकि उसी हिसाब से कंपनी से वो बिजनेस कर सके। तो कुछ यानी हमारे पास एम्प्लाइज ऐसे होते हैं जिसके लिए कॉल सुनना नहायत लाजमी होता है, जैसे आईटी सपोर्ट के बंदे होते हैं और सेल्स पर्सन होते हैं, दूसरे फाइनेंस या एचआर के कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनको कॉल्स वगैरह अटेंड करनी होती है, तो उसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल कॉल्स वगैरह उनको हर टाइम अटेंड करनी होती है। तो यानी ये तो यानी गोल मैंने आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। अब आते हैं मोबाइल कनेक्ट फीचर के ऊपर। मोबाइल कनेक्ट बेसिकली फीचर्स क्या होता है, ये एक आपका जो रिमोट डेस्टिनेशन होती है प्रोफाइल, वो आप अपने जो सीएन जो है जो डीएन जो होता है हमारा, जैसे कोई भी आईपी फोन्स का एक्सटेंशन, उसके साथ हम इसको मैप कर देते हैं और ये शेयर्ड लाइन की तरह कन्फिगर्ड होता है। यानी अगर कोई भी कॉल्स वगैरह उसको आएगी, तो वो कॉल्स एक टाइम पर उनके आईपी फोन्स के ऊपर भी रिंग होगी और उसके जो आप रिमोट डेस्टिनेशन होते हैं उस पर भी वो रिंग करेगी। ये जैसे मैं एक पीएसटीएन का नेटवर्क यहाँ पर बनाता हूँ, और ये आपका इनसाइड जो है नेटवर्क है जहाँ पर डिफरेंट आईपी फोन्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये एक समझें कि एक जो है सेल्स पर्सन वगैरह है, और वो सुबह तकरीबन 8:30 बजे वो रास्ते में है और वो उसको ऑफिस वगैरह पहुंचना है। तो किसी एक कस्टमर की जो बड़ा एक इनका क्लाइंट है, उसके कॉल आ जाती है और इसने टाइम इसको दिया हुआ है कि वो 8:30 पे उसको कॉल करे, और इसको थोड़ी लेट हो जाती है, 8:45 हो जाते हैं, कुछ भी ये रास्ते में होता है। तो जब वो कॉल्स आएगी बेसिकली, तो वो कॉल बाहर से आएगी, इसकी एक्सटेंशन पे भी रिंग होगी और इसके पास जो मोबाइल होगा अपना उसके ऊपर भी रिंग होगी, और ये 8:45 में ये अपनी पार्किंग में पहुंचेगा, वो कॉल मोबाइल पे उठा लेगा और बात करते 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 वो अपनी ऑफिस में इन होगा। तो इन होने से ही यानी वो अपने जो आईपी फोन्स है उसके जो इसमें सॉफ्ट की होती है, उसके सॉफ्ट की के ऊपर लिखा होगा मोबिलिटी फीचर्स का, तो वो उस की को प्रेस करेगा, वो ऑटोमेटिक कॉल यहाँ से स्विच होकर इसके आईपी फोन पे चली जाएगी। अच्छा, इसी दौरान कस्टमर को बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि भाई ये कोई बाहर बंदा था या ये ऑफिस में बैठा था, तो उसको यानी आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस का या वॉइस का या कुछ ऐसा थोड़ा बहुत माइनर उसको सुनने में मिले, क्योंकि वो पहले मोबाइल पे कॉल आ रही थी पीएसटीएन के नेटवर्क से, अभी वो डायरेक्ट आईपी फोन्स के ऊपर आ रही है। तो ये इस तरीके के फीचर्स को हम मोबाइल कनेक्ट फीचर कहते हैं, ताकि जो भी यानी जो फोन्स वगैरह होते हैं वो एक शेयर्ड लाइन के ऊपर काम करते हैं। इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, रिमोट डेस्टिनेशन ये एक्ट करता है एज अ शेयर्ड लाइन, यानी जब रिंग आएगी तो उस टाइम आपकी आईपी फोन्स के ऊपर भी रिंग बजेगी और मोबाइल के ऊपर भी रिंग बजेगी। अच्छा, ये भी कन्फिगर्ड होता है सेम सेटिंग, जिसमें जैसे पार्टीशन हो गया, सीएसएस फीचर्स हो गए और डीएन का नंबर वगैरह, सारी चीज़ें जो भी इसकी प्रोफाइल होती हैं, डिफ़ॉल्ट ग्रुप वगैरह, सारी जो भी इसकी सेटिंग्स होती हैं वो सेम कन्फिगर्ड होती हैं इसके ऊपर, और ये अप टू 10 आप जो है रिमोट जो है डेस्टिनेशन लाइंस दे सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इसके जो मोबाइल कनेक्ट करने के फीचर्स हैं वो हम इसके ऊपर लैब्स के भी देखेंगे, पर ये उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सॉफ्ट टेम्पलेट की कन्फिगर करनी पड़ेगी
जिसको हम मोबिलिटी की कहते हैं। उसके बाद एक यूज़र अकाउंट बनाना पड़ेगा। यूज़र अकाउंट के बाद आप आईपी फोन्स को कॉन्फ़िगर करेंगे और उसमें मोबिलिटी फीचर्स इनेबल करेंगे, यानी जो सपोर्ट करे फोन्स वगैरह, यानी जो जिस आईपी फोन को मोबिलिटी फीचर की सपोर्ट हो। उसके बाद आप क्रिएट करेंगे डेस्टिनेशन प्रोफाइल और उसको असाइन करेंगे यूज़र्स के ऊपर। ये जो यूज़र यहाँ पर आपने स्टेप 2 पे बनाया है ना, उसके ऊपर आप उस यूज़र को बनाएंगे। उसके बाद आप रिमोट डेस्टिनेशन प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके बाद आप कॉन्फ़िगर करेंगे रिंग शेड्यूल के किस टाइम रिंग जो है आपके मोबाइल के ऊपर बजनी चाहिए, यानी किस टाइम आपका मोबाइल्स वगैरह ऑफिस के एक्सटेंशन से शेयर्ड लाइन एज अ कॉन्फ़िगर्ड हो। उसके बाद ACLs भी लगा सकते हैं आप, इसमें ACL बनाएंगे और वो ACL रिमोट डेस्टिनेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है जो सर्विसेज के ऊपर होती है कॉल मैनेजर के ऊपर, उसके जो पैरामीटर्स होंगे उसको आप इनेबल करेंगे। तो ये तकरीबन 9 स्टेप्स हैं, इसकी हम लैब भी करके देखेंगे, पर थ्योरेटिकल आपको मैंने कॉन्सेप्ट इसका इस टॉपिक का दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। इसी चैप्टर में एक और फीचर दिया गया है, वो है MVA यानी मोबाइल वॉइस एक्सेस। ये भी फीचर्स सेम इसी तरीके से है, पर इसमें थोड़ा आपको ये समझना होगा कि यानी हमारे पास एक यूज़र है बाहर का, वो उसके पास मोबाइल वगैरह है और वो इस टाइम कंपनी से बाहर बैठा हुआ है, तो वो इस कंपनी के सेटअप से यानी इसकी जो सर्विसेज से कैसे कनेक्ट होगा, ये हमारा जो है CUCM का सेटअप है। ठीक है, तो ये मोबाइल से कुछ जो है पैरामीटर्स डायल करेगा, यानी ऐसे समझें कि एक नंबर होगा DN वगैरह, और उसके ऊपर ये कॉल करेगा, देन ये जो है अपने उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा सिस्टम के साथ। देन उसके बाद ये पिन कोड जो है, इसके पास एक पिन कोड होगा कन्फिगर्ड होगा, वो पिन इस पे डायल करेगा। डायल करने के बाद ये इस सेटअप का पार्ट बन जाएगा, फिर ये यहाँ से लोकल कॉल्स वगैरह यानी जो भी होंगी वो कर सकता है। यानी ये IVR के ऊपर एक फीचर्स जो होता है वो इनेबल होता है, और IVR आपको पता होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है काफ़ी उसमें वीडियोस में, ये इनिशियली अनाउंसमेंट होती है वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह, तो ये इस तरीके का यानी फीचर होता है। इस फीचर्स को हम डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि इस फीचर के लिए हमारे पास जो है गेटवे होना लाजमी है, यानी कुछ इसकी जो सेटिंग होती है वो आपके वॉइस गेटवे के ऊपर होती है, जो कि इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसकी हम लैब नहीं करेंगे। लैब हम उसकी करेंगे मोबाइल कनेक्ट की, और वो मैं आपको अपने सिस्टम में करके परफॉर्म करके बताता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी लैब आपको परफॉर्म करूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ वीडियो शेयर करें, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।